Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 28 for the topic digestion and absorption. You have completed the study of physiology of digestion. After learning the digestive system entire, you have studied physiology of digestion in that mouth cavity, stomach, small intestine, that is duodenum. Now the digestion of the food is completed. Now you know that the simplest form of the food material is formed there. That means carbohydrate like glucose has starch has been converted into the simplest form like glucose. Simplest carbohydrate mil gaya hai glucose ka, ya some monosaccharide like fructose. Then proteins which are complex are converted into the simplest product, what is that? Amino acids. और फैट्स जो है वो भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जैसे सिंपलेस्ट कंपोनेंट में अब डिग्रेड हो गए हैं. ऑल दैट प्रोसेस हैपन विद हेल्प ऑफ द एंजाइम्स यू नो एंड दैट इज नोन एज द केमिकल डाइजेशन. ओके, अब उसके बाद की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स. अब वो कहां पे होता है? अगर ब्रॉडली बोलेंगे हम तो एक्चुअली एब्सॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द माउथ. इट ऑकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इन माउथ कैविटी आल्सो इट मे गेट एब्सॉर्ब्ड, और आल्सो पर्टिकुलरली इट मे गेट एब्सॉर्ब्ड इनटू द दैट स्टमक, इनटू द ड्यूओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, that jejunum, ileum, etc. and even in large intestine. Okay, पर सबसे ज्यादा जो absorption होने वाला है food material का वो कहाँ पे, digested food का वो कहाँ पे होने वाला है? Into the small intestine. That maximum amount of digested products are absorbed in small intestine. The reason you know because the process of digestion is completed there only. वहां पे ही प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी फाउंड ओनली इन द कॉलेजेस. तो स्टूडेंट बोल के घर घर में देखेंगे तो एक दो मिलेंगे, कॉलेज में या स्कूल में जाएंगे तो सभी स्टूडेंट्स ही है, कुछ टीचर्स भी होते हैं हमारे जैसे, इजंट इट? बट मैक्सिमम विल बी देयर. तो वैसा ही है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ digestion product absorption occurs in the small intestine. पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि माउथ में नहीं होता है या स्टमक में नहीं होता, होता है थोड़ा थोड़ा. Then in the intestine, you know, the intestinal mucosa is designed in a special way, forming the finger shaped structures. या ऐसे finger shaped structures बन गए हैं intestinal mucosa में, हमने देखा था, उसका नाम दिया है villi. Singular is villus, made up of that columnar epithelial cells which are tall and which are meant for carrying out the absorption of digested food. Us columnar epithelial cell ko bhi microvilli hote hai, chote chote brush border BB kehte usse, isn't it? To uska pura significance bhi hame malum hai, to increase the surface area for absorption. एब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है और यह एब्सॉर्प्शन इजीली हो इसलिए तो इंटेस्टिनल कॉइल्स जो है वो हम देखते हैं. यानी जितना वो रोड जो है कर्व्ड होगा उतना ट्रैफिक कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा. रोहतांग पास को कभी गए हैं? इजंट इट? तो अगर जाएंगे वहां पे तो बिल्कुल देखेंगे, मनाली के बाद अगर आगे जाएंगे तो ऊंचाई पे तो बिल्कुल आपको दिखेगा ऐसा पर्टिकुलरली कर्व रोड. तो वहां पे स्पीड लिमिट भी हो जाती है अपने आप. तो वैसा ये इंटेस्टाइन में जाने वाला जो फूड है बाय पेरिस्टाल्टिस वो फास्ट नहीं चला जाएगा. अगर सिंपल ट्यूब रहती थी तो क्या हो जाता था, झट से निकल जाता. जैसा कर्व है तो स्लोली जाता है, सो दैट द विलाई सेल्स कैन गेट द चांस टू कैरी आउट द एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड.
अब ये डाइजेशन एब्सॉर्प्शन जो होता है डाइजेस्टेड फूड का, वो मैकेनिज्म उसके तीन रहते हैं। वन इज देयर पैसिव, अदर इज देयर एक्टिव, पैसिव एब्सॉर्प्शन एक्टिव एब्सॉर्प्शन, एंड थर्ड इज देयर फैसिलिटेटेड मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव एब्सॉर्प्शन का क्या फर्क है हमें मालूम है। पैसिव एब्सॉर्प्शन जो है दैट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, वो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है, मुफ्त में हो जाता है, उसके लिए कुछ एनर्जी की जरूरत नहीं है। पर एक्टिव एब्सॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्स एनर्जी टू बी स्पेंट, इजंट इट। पैसिव एब्सॉर्प्शन, अब YouTube पे जाओ कहीं पे, अभी ये जैसे हमारे लेक्चर्स हैं, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और जस्ट यू विल वॉच दैट, यू विल गेट दैट नोटिफिकेशन, एंड एवरी टाइम यू कैन वॉच दैट वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, इजंट इट। हाँ आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा कैसे बोलते हैं, हमको नेट का पैकेज लेना पड़ता है। अब वो तो आप मेरे लिए क्यों ले रहे हैं, वो तो आप उससे बहुत सारी चीजें आपकी हो जाएगी। मोबाइल का अगर समझो आप डेटा लेते हैं तो क्या खाली काटेश्वर बायोलॉजी क्लासेस देखने के लिए थोड़ा लेते हैं? फॉर ऑल द थिंग्स, इजंट इट। तो ये जैसा चैनल मुफ्त में देखते हैं उसे कहते हैं पैसिव, पैसिव व्यूअर्स, पैसिव व्यूअरशिप, इजंट इट। तो ये पैसिव हो गया, आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं उसके लिए, ओके। और एक्टिव क्या है, वही अगर समझो कोई दूसरे नेटफ्लिक्स वगैरह ऐसे अगर सर्च करने जाएंगे तो उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा उनको, इजंट इट, वहां के अगर आपको एपिसोड देखने आए तो। सो पर्टिकुलरली दैट इज एक्टिव वेयर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट। और तीसरा आता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, वो भी देखेंगे हम। अब क्या होता है, देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक सीएल माइनस आर एब्सॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन, यानी दैट इज कॉल्ड एज पैसिव, पैसिव एब्सॉर्प्शन इसका हो जाएगा। डिफ्यूजन प्रोसेस हमको मालूम है, इट रिक्वायर्स ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक। अब समझो गैस का लीकेज कहीं पे हो गया है, किसी ने तो भी छोड़ दिया है, तो उसका जो बदबू है दैट स्मेल यू विल फील इवन एट द अदर कॉर्नर, क्यों आएगा? बाय डिफ्यूजन प्रोसेस फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इजंट इट। इसके लिए कुछ एनर्जी नहीं लगती, अपने आप हो जाता है, ओके। या स्प्रे भी देखो, आप स्प्रे अगर मार के आए हैं तो बिल्कुल वो बाय द सेम प्रिंसिपल दैट विल फ्लो फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। सो दैट प्रोसेस इज सिंपल डिफ्यूजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सीएल माइनस दे फ्लोट फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनी एनर्जी स्पेंड, दैट इज पैसिव एब्सॉर्प्शन। लेकिन कई बार क्या होता है, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट नहीं होता है और ग्लूकोज आगे निकल के जा रहा है, सेल्स में भी इंटेस्टाइनल म्यूकोस आगे ग्लूकोज है और लेना है, देन सम कैरियर प्रोटीन्स आर फॉर्म देयर एंड दे कैरी आउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। वो कैरियर प्रोटीन्स को एक काम दिया है, पकड़ के लेके आओ, किसको पकड़ के लेके आओ, ग्लूकोज को और अमीनो एसिड को, उनको जाने मत दो आगे, ओके। तो वो पकड़ के ले आते हैं, लेकिन कैरियर प्रोटीन्स तैयार करने के लिए एनर्जी लगने वाली है, तो ये फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट हो गया, ओके। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है दैट ऑकर्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी समझो डाइजेस्टेड फूड में उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के सेल में ज्यादा है, तो अपने आप नहीं जाएगा वो। सो टू कैरी आउट दैट ट्रांसपोर्ट सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट, they call it the active transport there, and that occurs there in the intestine particularly for Na plus glucose and amino acid. समझ में आ रहा है? अब देखो फैटी एसिड ग्लिसरॉल की कथा थोड़ी अलग है। फैटी वेर एज ग्लूकोज अमाइनो एसिड दे आर सोल्युबल इन वॉटर,
फैटी एसिड्स एंड इन द ब्लड, क्योंकि ब्लड में वाटर होता है, प्लाज्मा में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर इनसोल्यूबल इन द ब्लड, तो वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए प्रोसेस क्या है देखो, दे आर ब्रोकन इनटू द माइसेली स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड फ्रॉम द इन द इंटेस्टाइन, फ्रॉम देयर दैट स्मॉल माइसेलीज और स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर एब्सॉर्ब इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इन द विलाय एंड देयर दे आर रिफॉर्म्ड। उसको एक प्रोटीन का कोट लगा दिया जाता है, एक प्रोटीन का एनवलप बना दिया जाता है स्मॉल माइसेली को, उसको कहते हैं चाइलोमाइक्रॉन्स और काइलोमाइक्रॉन्स। प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग चाइलोमाइक्रॉन्स करते हैं, कुछ लोग काइलोमाइक्रॉन्स करते हैं। ओके, सो दैट चाइलोमाइक्रॉन्स आर द प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, वो वहां पे तैयार होते हैं एंड दे आर एब्जॉर्ब इन टू द लिम्फ, दैट लिम्फ वेसल इज कॉल्ड एज लैक्टियल, वो विलस के अंदर लिम्फ वेसल हमने दिखाई थी फिगर में। ओके, सो लिम्फ विल कैरी दैट, सो एमसीक्यू आ सकता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स आर एब्जॉर्ब इन, करेक्ट आंसर लैक्टियल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब इन टू द लैक्टियल इन द फॉर्म ऑफ, करेक्ट आंसर चाइलोमाइक्रॉन्स। चाइलोमाइक्रॉन्स आर प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, कितने एमसीक्यू हो गए देखो, तो ये पॉइंट्स अच्छी तरह से लर्न करो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दैट एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल देयर, फिर बाद में उसको एसिमुलेट किया जाता है सेल्स तक, जब कैरी किया जाता है देन इनसाइड द सेल्स दैट मे बी यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है एनर्जी के लिए, ग्लूकोज प्रोटीन्स एज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द दैट बॉडी एंड फैट एज द रिजर्व फूड मटेरियल। सो आई होप यू हैव गॉट दिस, डू रीड दिस पार्ट और वॉच दिस पार्ट वेरी प्रॉपरली एंड रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वी शैल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड कीप लर्निंग विथ मी, थैंक्स अ लॉट।